डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस चैनल पर बियर्ड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने, आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो। इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के और ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, स्कूल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। इस ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि इससे पहले वाला टॉपिक सभी कवर कर दिया गया है, तो ये जो है लास्ट टॉपिक है। इसको हम समय के अभाव के कारण बहुत कम समय में आप लोगों के लिए ये मैंने तैयार किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको सिर्फ एक तरह से समझ विकसित करने के माध्यम से इसको देखें, और इसके लिए आपको थोड़ा सा किताब का सहारा, बुक का सहारा जरूर लें और बुक से अध्ययन जरूर करें। तो चलिए कम समय में ही इनको देखते हैं। लिंग, विद्यालय तथा समाज, इनके बारे में देखेंगे हम लोग। लिंग एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय रचना है जिसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जेंडर जो एक तरह से महत्वपूर्ण सामाजिक शास्त्रीय रचना है जिसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा इफेक्ट पड़ा है। जेंडर का अर्थ होता है स्त्रीत्व और पुरुषत्व के रूप में समांतर एवं सामाजिक रूप से असमान विभाजन है। ये स्त्री और पुरुष जो है इनमें समांतर एवं सामाजिक रूप से जो विभाजन है वो एक समय असमान विभाजन से है जेंडर का अर्थ। लिंग, लिंग जेंडर शब्द का प्रयोग जो है पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों तथा समाज के द्वारा उनके अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। क्या है? लिंग जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों तथा उनके समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। भारत में लिंग संबंधी परिक्षेपीय महिलाओं एवं राजनीतिक सशक्तिकरण वैचारिक रणनीति के विकास के बिना भ्रमिक बन गई है। ऐतिहासिक वजह से जो असामान्य एवं विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न हुई है उनके कारण भारतीय समाज ने महिलाओं को अधीन एवं कमजोर बना दिया। आप लोग भारत के समाज में या अपने आसपास के समाजों में जरूर देखते होंगे स्त्रियों या महिलाओं का किस तरह से उनका स्थिति जो है कमजोर बना दिया है। पर ये आजकल समाज में बहुत सारे चीज़ों से आगे बढ़ के कुछ नया कर रहा है, और जो महिलाएं हैं, स्त्री जो है या फिर लड़की जो है, हर क्षेत्रों में अपना अहम योगदान भी दे रही है। पर भारत के लिंग संबंधी प्रक्षेपीय जो बात किया जाए, उस समय राजनीतिक सशक्तिकरण के वैचारिक रणनीति के विकास के बिना भ्रमिक बन गई है। ठीक है, तो उनके कारण जो है भारतीय समाज ने महिलाओं का अधीन एवं कमजोर बना दिया है। भारतीय परिक्षेपीय में लिंग की भूमिका क्या है उनके बारे में देखते हैं। भारत में लिंग भूमिकाओं पर विचार जो है पश्चिमी सभ्यता की तुलना में पिछड़ा माना जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर पश्चिमी सभ्यता की बात किया जाए, पश्चिमी सभ्यता में जिस तरह से महिलाओं को अधिकार दिया गया है, उस तरह से अभी तक हमारे देश में जो है, भारत देश में जो है, उस तरह से महिलाओं के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। अधिकार बहुत हद तक सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है, पर अभी भी वर्तमान या फिर धरातलीय स्थल पे पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। इस तरह से भारतीय समाज में प्रत्येक लिंग की भूमिका धर्म एवं संस्कृति से ग्रसित है। ये तो बात है ही, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे प्रथा बना दी गई है जिसमें कि स्त्रियों को कहा जाता है कि ये धर्म के विरुद्ध है, इसमें स्त्री को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप लोग हाल में ही न्यूज़ में देखे होंगे किस तरह से स्त्री जो ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा मुस्लिम महिलाओं पर बहुत सारे नियम कानून थोप दिए गए हैं कि ये धर्म में इस तरह से इन लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है। हर धर्म में कुछ ना कुछ स्त्रियों के लिए नियम बना दिए गए हैं जो कि एक तरह से संस्कृति और धर्म के रूप से ग्रसित है परंपरा के लिए, और इसे दमनकारी परंपरा के लिए तैयार करता है। ये जो भूमिका है भारतीय समाज में प्रत्येक लिंग की भूमिका धर्म एवं संस्कृति से ग्रसित है, ये इसे दमनकारी परंपरा के लिए तैयार करता है। भारत में महिलाओं के उत्पीड़न के विभिन्न कारण हैं।
अब देखते हैं क्या क्या कारण है जो भौगोलिक है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से प्रमुख है। आप अगर महिलाओं की बात करें तो उसके उत्पीड़न के लिए एक कारण नहीं है कि सिर्फ धर्म में बहुत सारे नियम कानून है, ऐसा नहीं है, उनमें आर्थिक भी है, शैक्षणिक भी है कि हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों को उतनी शिक्षा नहीं मिल पाई जितना कि पुरुषों को शिक्षा मिली है, पर आज के समाज में सभी स्त्रियों को समान शिक्षा की व्यवस्था की गई है और सभी स्त्रियों को शिक्षा में अहम योगदान देने के लिए सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियम एवं कानून बनाए जा रहे हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय महिलाएं जो है आमतौर पर सामाजिक स्तर में कमी के प्रभाव से भी ग्रसित है। लिंग की भूमिका के संबंध में भारतीय दृष्टिकोण निम्नलिखित है। पहला हम लोग देखते हैं, स्त्री एक पोषक के रूप में कार्य करती है। हम जानते हैं कि भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है जो अभी भी सीमित सोच रखता है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ स्त्री के जीवन के उद्देश्य अपने पति, बच्चे और परिवार के लिए और अपने जीवन को समर्पित करना होता है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। ये इस तरह की हमारे देश की सबसे बड़ी कुरीतियों थी जो कि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। स्त्री का जो जीवन का उद्देश्य सिर्फ एक चीज़ हुआ करता था कि वो सिर्फ घर का कार्य संभालेगी और अपने पति और बच्चों का ध्यान रखेगी और परिवार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देगी, जो कि इतना दयनीय स्थिति थी स्त्रियों के लिए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गंदा था। स्त्रियों को भी हक है, उनका भी योगदान होना चाहिए देश को, राष्ट्र को निर्माण में, या फिर उनके हर काम को जो एक पुरुष कर सकता है तो स्त्रियों को भी करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, हमारे देश में इस तरह के कल्चर धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और स्त्रियों के लिए भी समान पुरुषों की तरह हर चीज़ उनके लिए भी योगदान दी जा रही है, स्त्रियों को भी समानता मिलती जा रही है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे इसी में कि समर्पित करना, इसके बावजूद भारतीय समाज में उसके कार्यों का कोई मूल्य नहीं होता है। बताइए, इसमें बताया जा रहा है कि स्त्री जो है अपनी हर चीज़, अपनी हर ख्वाब को छोड़ के सिर्फ अपने पति, बच्चे और परिवार के लिए ही जीवन समर्पित करते हैं, इसके बावजूद भी भारतीय समाज में उसके कार्यों का कोई मूल्य नहीं है। उनको लगता है कि स्त्रियों का ये तो धर्म है और ये कुछ भी नहीं करती है, जो कि गलत है। एक घर को संभालना, बच्चे के लिए, बच्चे और पति को समय पर हर चीज़ पहुँचाना, उनके लिए करना बहुत बड़ी बात है। घर की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है, तो महिलाएं को कम नहीं समझना चाहिए। महिलाएं भी अपने स्तर पे बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ समर्पित करती है। यहाँ स्त्रियों को एक पोषक के रूप में ही देखा जाता है। देखिए किस तरह से हमारे समाज और हमारे भारतीय समाज की बात हो रही है। यहाँ स्त्रियों को जो है एक पोषक के रूप में देखा जाता है, जो कि सरासर गलत है। खैर कोई बात नहीं, इस तरह से आपको पॉइंट वाइज बनाकर बताना है और साथ में अपने आप में भी ये जोर कर बताना है कि हमारे देश में इस तरह की स्थितियों अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये प्रथा जो है धीरे समाप्त होती जा रही है और स्त्रियों को भी, महिलाओं को भी समानता का अधिकार मिलते जा रहा है और समान व्यवहार उनके साथ भी किया जा रहा है। दूसरा नंबर पॉइंट में देखेंगे कार्यकारी महिला। आज अक्सर पुरुषों के साथ स्त्रियों भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। बिल्कुल सही बात है, ये आज की बात हो रही है। आज अक्सर पुरुषों के साथ स्त्रियों भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, परंतु भारतीय दृष्टिकोण से आज भी उन्हें बाहर कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता है, ये बात है। लेकिन धीरे धीरे ये भी प्रथा समाप्त हो जाएगी, स्त्रियों को बाहर काम करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, लेकिन ये भी धीरे धीरे हो रही है। आज भी कई क्षेत्रों में ये देखा गया है कि महिलाओं को खुद की इच्छा अनुसार कार्य करने की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ महिलाओं को खुल के कार्य करने की आज़ादी नहीं दी गई है। हमारे देश का कल्चर इस तरह होना चाहिए कि महिलाओं को हर काम, हर कार्य करने के लिए आज़ादी हो, उसे पुरुषों की तरह, जो आज पुरुषों को अधिकार है हर क्षेत्र, हर काम और हर कुछ करने का, उसी तरह महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए। और हमारे देश में कुछ गलत प्रथाएँ प्रचलित हैं, उस चीज़ों को भी समाप्त करके इस सब चीज़ को लागू करना है। तो आज की लेक्चर इसी जगह समाप्त होती है। आप जैसा कि आप लोग देखें कि बहुत ही कम पॉइंटों में आप लोगों को ये समझाने का मैंने कोशिश किया हूँ और आप ये ज़रूर इस तरह से आप स्कूल और ये जेंडर जो है स्त्रियों के बारे में आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं और आप एग्ज़ाम देने से पहले बुक को ज़रूर रीड कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एग्ज़ाम देने से पहले अच्छे से पढ़ के और समझ के जाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज की लेक्चर इसी से समाप्त करते हैं। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।